आज भारतीय जनता पार्टी यहां ऑपोजिशन में बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेट इट बी वेरी लाउड एंड क्लियर, और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज बीजू जनता दल की सरकार, नवीन पटनायक जी की सरकार, नवीन बाबू की सरकार, आज इनके सारे टॉल प्रॉमिसेस और टॉल अचीवमेंट्स वो धरे के धरे रह गए। आज खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खेत बगैर पानी के हैं, और ये 35% हमारा इरिगेटेड लैंड है, दिस हैज बीन एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज हो चुका है। उसी तरीके से दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसान की आय उड़ीसा की सबसे कम है, लोएस्ट इनकम किसान की है तो कहीं और नहीं, वो उड़ीसा की है, और सबसे ज्यादा पलायन भी, माइग्रेशन भी अगर हो रहा है वह सबसे ज्यादा उड़ीसा में हो रहा है, और यहां पर दादन जैसा शब्द हर घर में गूंज रहा है। यह इसको बताता है कि किस तरीके से हमारे यहां आज माइग्रेशन का काम चला हुआ है, और इसकी किसी को चिंता नहीं है यहां की सरकार को कि क्यों माइग्रेशन हो रहा है, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों अपने दैनंदिन जीवन के लिए बाहर जा रहे हैं। आज फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, इट हैज कम टू ए कोलैप्स। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।